मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इस बार देर जिंदगी चैनल पे आपके लिए बिहार का संक्षिप्त परिचय लेके आया हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं, हमारा देश जो है वो यूथ का देश है, युवाओं का देश है, जहाँ पर कई लोग, कई यूथ, कई युवा जनरल कंपटीशन और बीपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं। और इसी के माध्यम से मैं अपने बिहार का एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। क्या आपको पता है बिहार का प्राचीन नाम क्या था? बिहार का प्राचीन नाम विहार था, जिसका मतलब मठ होता था। बिहार का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बिहार का वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। बिहार का राज्य पशु कौन है? बिहार का राज्य पशु बैल है। बिहार का राज्य पक्षी कौन है? बिहार का राज्य पक्षी गौरैया है। बिहार का राज्य दिवस कब है? बिहार का राज्य दिवस 1 मई 1960 है। बिहार का राज्य फूल कौन क्या है? बिहार का राज्य फूल गेंदा है। बिहार का राज्य वृक्ष क्या है? बिहार का राज्य वृक्ष पीपल है। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बिहार के वर्तमान राज्यपाल सत्यपाल मलिक है। आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या था? आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल का नाम जयराम दास दौलत राम था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या था? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिंह थे। शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र की प्राचीन भूमि पर पटना शहर की स्थापना की। बिहार में कितने जिले हैं और इनका क्षेत्रफल कितना है? बिहार में 38 जिले हैं तथा यहाँ का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की जनसंख्या कितनी है? बिहार की जनसंख्या लगभग 10,03,84,637 है। बिहार में पुरुष कितने हैं? बिहार में पुरुष लगभग 5,41,85,347 है। बिहार में महिलाएं कितनी हैं? बिहार में महिलाएं लगभग 4,96,19,290 है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? बिहार का जनसंख्या घनत्व लगभग 1,102 वर्ग प्रति किलोमीटर है। बिहार की साक्षरता कितनी है? बिहार की साक्षरता 63.82% है। बिहार में पुरुष की साक्षरता कितनी है? बिहार में पुरुष की साक्षरता 73.3% है। बिहार में महिलाओं की साक्षरता कितनी है? बिहार में महिलाओं की साक्षरता 53.33% है। बिहार का लिंग अनुपात क्या है? बिहार का लिंग अनुपात 1,000 पुरुष पे 916 महिलाएं हैं। बिहार में हिंदू कितने परसेंट हैं? बिहार में हिंदू 83.2% है। बिहार में मुस्लिम कितने परसेंट है? बिहार में मुस्लिम 16.5% है। बिहार पटना श्री गोविंद सिंह सिखों के आखिरी गुरु का जन्म स्थान होने के कारण यह सिखों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। हाल में ही श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां जन्म शताब्दी धूमधाम से मनाई गई। बिहार के सोनपुर का पशु मेला प्राचीन काल से दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जो कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होता है। पुराने राजा महाराजा युद्ध के लिए हाथी घोड़े इसी मेले से खरीदते थे। बिहार में कुल मिलाकर 38 जिले हैं। जनसंख्या को मानक माने तो पटना सबसे बड़ा जिला है, शेखपुरा सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल के मानकों में पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा जिला और शिवहर सबसे छोटा जिला है। बिहार का लोक नृत्य क्या है? बिहार का लोक नृत्य नारदी, होरी, जो होली के उपलक्ष्य में किया जाता है, कजरी, जो सावन में किया जाता है, देवहर, जो देवी देवताओं के लिए, डोमकच, शाही ब्याह के लिए, धनकटनी, फसल काटने पे। बिहार की प्रमुख फसलें कौन हैं? बिहार की प्रमुख फसलें धान, गेहूं, मक्का तथा दालें, गन्ना, आलू, तंबाकू, तिलहन, प्याज, मिर्च, पटसन और मेस्ता है। बिहार में कौन कौन सी जनजातियां हैं? बिहार की जनजातियां खोनड, बथुरी, विरजा, विनगिया, केवट,
किसान पराहिया, विरहोर, सवार गोरेट, पहाड़ी कोरबा इत्यादि है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत देश में बिहार का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल में यह देश का 12वां तथा जनसंख्या में 30वां सबसे बड़ा राज्य है। बिहार में कितने बिहार में विधानसभा की 243, राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40 सीटें हैं। बिहार में चंपारण में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। चित्तरंजन दास 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। राहुल संकित्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में छपरा से सक्रिय थे। दुनिया का सबसे पहला गणराज्य बिहार के वैशाली में स्थापित किया गया। 2600 साल पहले बिहार को सबसे ज़्यादा शांतिप्रिय यानी अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता था। बोधगया और पावापुरी में लोग शांति प्राप्त करने के लिए आते थे और आज भी आते हैं। भारत के चार महान राजा इसी राज्य में से थे। समुद्रगुप्त, सम्राट अशोक, राजा विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। पुरातन काल में बिहार देश के व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी तथा देश का 40% व्यापार सिर्फ मगध, वैशाली, मिथिला, विदेहा, अंग, शाक्य प्रदेश, विजी, जनक से हुआ करता था। 80 के दशक तक बिहार के मिथिलाचल में श्री राम को भगवान नहीं माना जाता था कि हालांकि अब कुछ लोग यहां भगवान राम की पूजा करने लगे हैं। विवाह पंचमी यानी जिस दिन भगवान राम और सीता की शादी हुई थी उस दिन मिथिलांचल के लोग शादी नहीं करते। विश्व स्तर पर हुए जियोग्राफिकल एवं एग्रीकल्चर सर्वे के अनुसार पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन बिहार की ही है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर नई वीडियो में बिहार का संक्षिप्त परिचय के साथ आपके सामने आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।